मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। आज मैं नए कानून जो 2023 में भारत की संसद लोकसभा राज्यसभा से पास हुए थे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा महामहिम द्वारा उसको स्वीकृति भी दी गई, अब नोटिफिकेशन हो चुका है। ये तीनों नए कानून जो आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लेंगे 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं खास खास बातें बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। जो भी लॉ एस्पायरेंट्स हैं, कानून जानना चाहते हैं, कानून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। नए कानून में धोखाधड़ी की जो धारा है 420 आईपीसी, जनरली बोला जाता था कि 420 है, वो हत्या की धारा बदल दी गई है। खास बातों पर इस वीडियो में 1 जुलाई से, जैसा मैंने बताया, 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू होंगे। भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली होगी, अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे उन्हें बदल दिया गया। इससे अपराध के पीड़ित व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इन अधिनियमों को बनाया गया है। और चूंकि अंग्रेजों के जमाने से जो कानून चले आ रहे थे, ऐसा सरकार का मानना था कि उसमें परिवर्तन करना जरूरी है, और ये परिवर्तन किया गया है। अपराध के पीड़ित व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए धाराएं परिवर्तित की गई हैं। नाबालिगों से जो दुष्कर्म होता था उसके अंदर आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस होता था। इसके अलावा रखा गया है हिट एंड रन मामले से संबंधित धारा जो 106(2) है, अभी हाल फिलहाल इसको रोक दिया गया है, क्योंकि ड्राइवर और ट्रक ओनर्स के द्वारा बीच में पहिए थम गए थे, हड़ताल वगैरह की धमकी दी गई थी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध में अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून प्रभावी होंगे, अर्थात 1 जुलाई 2024 से जो भी अपराध पंजीबद्ध होंगे वो नई धाराओं में और नए कानून के अनुसार होंगे। इस तरह आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस की जगह ये नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेंगे। 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर नए कानून के अनुसार ही रजिस्टर्ड की जाएगी। नए धारा में मामले नए अधिनियमों के तहत दर्ज होंगे। तीनों कानूनों को 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी। मैं एक चीज और बता दूं, इनेक्टमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी बिल का ड्राफ्ट तैयार करके लोकसभा में वहां से पास होता है मेजोरिटी से, उसके बाद राज्यसभा से, उसके बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति उस पर अनुमति देते हैं और डेट कब से एनफोर्स होगा। तो ये अब 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू हो गए हैं। नए कानूनों के तहत आतंकवाद से जुड़े जो भी मामले हैं उनमें UAPA अर्थात अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्ट के अलावा आईपीसी सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं था। अब मॉब लिंचिंग जो होती थी उसमें पहली बार उसे अपराध की श्रेणी में आ गया है। धारा 511 आईपीसी जो पुरानी थी उसके स्थान पर अब धारा 358 धाराएं हो गई हैं। उसमें कुल 511 आईपीसी में धाराएं होती थी भारतीय दंड विधान में। सीआरपीसी की जो कुल धाराएं 484 थी, अब वो सीआरपीसी की धाराएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 टोटल कुल धाराएं हो गई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कुल 166 जो धाराएं थी वो अब 170 धाराएं कुल इसमें नए अधिनियम में हो गई हैं। आईपीसी में 302 के तहत मर्डर माना जाता था जो अब नए अधिनियम के तहत धारा 101 हो गई है। 420 जालसाजी या धोखाधड़ी जो कहा जाता था आईपीसी के तहत वो अब धारा 316 धोखाधड़ी के लिए है। अवैध जमा 144 सीआरपीसी को अब धारा 187 नए अधिनियम में कहा जाएगा, इसी में परिभाषित है। 124 से जो राजद्रोह होता था उसको अब धारा 150 के रूप में रखा गया है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड, राजद्रोह को अब देशद्रोह कहा गया है, जैसा मैंने बताया। नाबालिग से दुष्कर्म, सामूहिक दुराचार होने की दशा में 20 साल तक की कैद का प्रावधान है और आजीवन कारावास तक का दंड है। इसके अलावा भारत के बाहर के कोई आरोपी है 90 दिन में चालान पेश करना होगा, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति होगी। तो इस तरह न्यू क्रिमिनल लॉ में काफी कुछ मोटा मोटा बदलाव किया गया है और धारा 420 जैसा मैंने आईपीसी की बताई इसको बदल दिया गया है। धारा 316 धोखाधड़ी की हो गई है 1 जुलाई से, ये सारे हत्या की धारा भी बदल दी गई है जैसा मैंने अभी बताया, 302 की जगह 101 हो गई है।
और अपराध के पीड़ित व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रणाली के अंतर्गत ये विशेष सुधार करके नए कानूनों को बनाया गया। वीडियो मित्रों कैसा लगा? मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है उसके वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।